ज्यादा से ज्यादा सबूत इकट्ठे करो, जिस पर भी शक हो उसे तुरंत अरेस्ट करो। अर्जुन, अर्जुन का बॉडी बुरी तरह से जख्मी हो चुका है, फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक हम कुछ नहीं कह सकते। उसके बचने के चांसेस इम्पॉसिबल। माँ को पुकारते हैं और एक तुम हो कि डैडी को बुला रहे हो। वो इसलिए भाग्यवान डैडी क्योंकि ये मेरा बेटा है, अपने डैडी का बेटा। बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा बेटा सबसे अलग है, मेरी जान बसती है इसमें। अपने बाप के दुश्मनों के हाथों मरने के लिए नहीं, उन्हें मारने के लिए पैदा हुआ हूं मैं। भगवान के लिए तुम मुझे माफ कर दो माँ, ना जाने कैसे अनजाने में मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने हाथों से अपनों की जान ले ली माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। बेटा, ये वक्त तुम्हारे लिए पश्चाताप करने का नहीं, प्रायश्चित करने का है। प्यार का नाटक करके तुम्हारे अपनों का ही खून तुम्हारी हाथों से बहाने वालों के साथ तुमने कोई अन्याय नहीं किया। लेकिन दुश्मनों के वध के लिए तुम्हें खुद हथियार बनना पड़ेगा। सच्चाई जानने के बाद
अब फर्ज से मुंह मत मोड़ो। तुम जो कल थे वो आज नहीं हो। तुम्हारे अपनों ने ही तुम्हारे पीठ में छुरा भोंका है। एक शैतान को तुमने अपने बाप के रूप में माना था, उसने तुम्हें इज्जत से पाला नहीं था, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। जंग की शुरुआत उस शैतान ने की थी, इसे खत्म अब तुम्हें ही करना है मेरे। कलेक्टर, और कितनी देर इंतजार करूं मैं यहाँ? उस हरिश्चंद्र प्रसाद ने मुझे क्या समझ रखा है? मैं यहाँ सब लोगों के बीच बैठकर मक्खी मारने वाला हूँ ऐसा समझ रहा है वो? मैं सेंट्रल का मिनिस्टर हूँ बाबा, क्या वो जानता नहीं है? कब आएगा वो, बोलो कब आएगा वो? मुझे गांव गांव में घूमकर लोगों की सेवा करनी है और आपने मुझे यहाँ सुबह से बुलाकर बिठा कर रखा है। कब आएगा वो, बोलो कब आएगा वो? मला माहिती है तो नहीं यार, ये एक चाल है। मेरे भाई अपने वादे से कभी नहीं मुकरते। उन्हें रास्ते से हटाने के लिए और दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए तुमने कौन सा मास्टर प्लान बनाया है हम जानते हैं। तुम्हारी पोल खोलने के लिए मेरे भाई जरूर आएंगे। अरे कैसा प्लान है? मेरी कुर्सी छीनने के लिए वो हरिश्चंद्र प्रसाद दिन रात एक कर रहा है, ये सारी जनता जानती है। जब तक वो मेरे साथ है मेरी कुर्सी कोई नहीं छीन सकता। अरे उसका अपने बिजनेस से पेट नहीं भर रहा है इसलिए वो ऐसा नाटक कर रहा है, समझे तुम लोग? नाटक हम लोग कर रहे हैं या तू कर रहा है ये जानने के लिए आधा घंटा इंतजार कर, सब पोल खुल जाएगी। और आधा घंटा नहीं, अगर तू चाहता है तो 6 बजे तक बैठूंगा मैं यहाँ। अरे सरकार मेरे साथ है तो मुझे क्या डर है, हिम्मत है तो सच्चाई सामने लाने दो। अगर मैं गलत साबित हुआ तो यहीं पर मैं माझा मंत्री पदाचा राजीनामा देईन। हरिश्चंद्र प्रसाद, मेरे जीजा ने आखिरी इच्छा पूछने के लिए कहा है। पेपर में छपना पसंद करोगे या फ्रेम में लटकना, ये तो बता दो। तुम्हारे मरने के बाद पूरा गांव तुम्हारी तेरहवीं के लड्डू तो खाएगा ही, तो अपनी भी आखिरी इच्छा बता दो। तू इतना खुश क्यों है भाई? अपनी मौत पे भला कोई खुश होता है? तुम लोगों ने मुझे यहाँ लाकर खुद ही अपनी मौत को दावत दे दिया है। अच्छा अच्छा, यमराज सीधा ऊपर से नीचे आकर हमारी जान लेकर तुम्हें छुड़ाने का ऐसा सोच रहा है क्या तू? दिखने में तो पागल जैसे लगते हो लेकिन बात पते की करते हो। तुम लोग खड़े खड़े क्या इसका भाषण सुन रहे हो? धुलाई कर दे इसकी। दूसरी गलती, वो भी 1 मिनट के अंदर। अब मेरी भी एक एडवाइस ले लो, दोबारा मुझे हाथ लगाने से पहले आसपास जरा देख लो तुम्हारी मौत कहीं दस्तक तो नहीं दे रही, वरना बहुत पछताओगे। हमने तो कोई दस्तक वस्तक नहीं सुनी भाई। वो एटम बॉम्ब बन करके आएगा। बाप रे, वो यहीं आकर फटेगा क्या? ये जो खेल तुम लोग खेल रहे हो, इस खेल का माहिर खिलाड़ी है मेरा बेटा। यू नो, अगर मैं 10 मिनट के अंदर यहाँ से बाहर नहीं निकला तो 11वें मिनट में मेरा बेटा मेरे सामने। Wow! Fire!
तुम लोग अगर गंदी हवा हो तो मेरा बेटा सुनामी है। शाबाश बेटा। कलेक्टर सर, सॉरी आई मेड लिटिल लेट। ये सारा खेल वाई रेड्डी का ही खेला हुआ है। द प्रूफ इज ऑल हियर। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि मैं इसे सबके सामने ला पाया। अब ये जनता के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। वाई रेड्डी, एक मिनट। किसी से धोखा करोगे तो दुश्मनी हासिल होगी, अगर प्यार करोगे तो जान न्यौछावर करेंगे लोग। एक पॉलिटिशियन होने के नाते ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम बेवकूफ हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, सुधर जाओ, वरना पछताओगे। You can go now. Harishchandra Prasad! Harishchandra Prasad! Harishchandra Prasad! आनंदपुरी सत्याग्रह सर्किल, कन्नूर के गोंडा रेडी पकड़ा गया। भेजा राघव ब्रिज सर्किल, करीमनगर कश्मीर कट्टा का मोबाइल कहाँ, जल्दी देख। काम करना तो जगह पे करूँगा, करना है तो वो भी करवा दूँगा। मैं यहाँ हार का मातम मना रहा हूँ और तुम मेरे चले छिड़क रहे हो। तुम में से कोई किसी काम का नहीं है। जमीन पर रेंगने वाली कीड़ों को मैं आसमान में बिठा लेता हूँ, पर तुम लोग किसी काम के नहीं हो। काय करूँ आतमी। तुमसे कुछ नहीं होगा जीजा, उससे टकराओगे तो मुझसे भी बुरा हाल होगा। ये क्या है, ये नींद में बड़बड़ा रहा है या जागते हुए? जब तक उस हरिश्चंद्र प्रसाद की मौत नहीं हो जाती तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। अपने खून को उबाल देकर अपनी मौत को दावा देने की कोशिश कर रहे हो। वो समंदर भंवर से भी खतरनाक है, उसे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं। तू मर जाता तो अच्छा होता। बुलेट उसके साथ साथ उसके बेटे के सीने में एक दिन जरूर उतारूंगा।
जिस डर को उन लोगों ने सलाखों के पीछे बंद कर रखा है, अब उसे मैं बाहर निकालने जा रहा हूँ। उसे बाहर निकाल कर अपनी बेइज्जती का बदला उसके जरिए चुकाऊंगा। लो भाई आ गए। इस बार भी आपकी बेल रिजेक्ट हो गई भाई। भाई इसे छोड़ दो भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना भाई, मैं आपको जरूर बाहर निकालूंगा। इसे छोड़ दीजिए प्लीज, वरना ये मर जाएगा। छोड़िए भाई। भाई तुम कैसे करोगे ये मैं नहीं जानता हूँ। मुझे बाहर निकलना है और उस हरिश्चंद्र प्रसाद को मारना है। चेक एंड मेट। हर खेल में तू ही आगे रहता है, तुझसे भला कौन जीत सकता है। वैसे भाई को तारीफ सुनना पसंद नहीं है, फिर भी आपने भाई के बारे में सही कहा। भाई जर्मनी से आया हुआ कंसाइनमेंट, आपका साइन चाहिए। ओके। अरे हरे, पहले पढ़ तो लिया होता। भरोसे से बढ़कर इस दुनिया में और कुछ भी नहीं, राइट? तुम्हारे हिसाब से तो बात सही है, फिर भी साइन करने से पहले एक बार पढ़ लेना चाहिए। मतलब वो क्या करते हैं, पीछे लगे रहते हैं क्या? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है यार, सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन साइन करने के पहले पेपर तो देख लिया कर। इन सब बातों के बारे में ज्यादा सोचते रहे तो मौत के दिन कब करीब आ जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। यार कैडी, आपका ड्रिंक। या दैट्स माय बॉय। अर्जुन जैसा बेटा मिला है, वाकई तुम किस्मत वाले हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि मैं किस्मत वाला हूँ, क्योंकि अर्जुन सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं है, ये मेरी जान है जान। जब देखो तो बाप के ही बगल में घुसा रहता है, उसे ये भी याद नहीं रहता कि उसकी एक माँ भी है। माँ, जीलस। तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। सुन, एक बात अच्छी तरह से याद रख, माँ की ममता बाप के दुलार से ज्यादा बड़ी होती है। आप दोनों का प्यार मेरे लिए एक समान है। करेक्ट कहा बेटा। सर, तुम लोग हर बात को सही ठहराते हो तो फिर इसे क्यों नहीं समझाते? शादी करने की उम्र हो गई है, लड़की ढूंढने की बजाय डैडी की पूछ बनकर घूमता रहता है। ये क्या कह रही हो बहन, कोई ना कोई लड़की इसके लिए जरूर बनी होगी और वो इसे ही ढूंढ रही होगी। आंटी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा बहन, लेकिन ये उस लड़की को पहचाने तब ना। सबकी जोड़ी ऊपर वाला ही बनाता है और इसकी भी इसे जल्दी ही मिल जाएगी। इस तरफ जैसे बॉडी को आराम की जरूरत होती है, वैसे दिल को सुकून की जरूरत होती है यार। तू बेहुदा हरकतें करेगा तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। इससे अच्छा मैं दुबई ही चला जाता हूँ। चुप अर्जुन, उसकी बातों में सच्चाई है बेटा। डैडी आप भी हर काम करने की एक सही उम्र होती है, उम्र ढलने के बाद शौक का क्या फायदा। लेकिन वा, 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 वा। आप जैसे पिता अगर मुझे मिलते तो आज मैं ना जाने कहाँ होता। बेटा जब मैं तेरी उम्र का था तब दिन रात मेहनत करता था, इसीलिए कुछ भी नहीं कर पाया। तुम लोगों को एंजॉय करते देखकर मुझे खुशी मिलेगी। ओके खुशी, अभी पता लगा कर आता हूं। ए, कम कम, तू क्या लड़की देख के पागल हो जाता है? तुझे जलन हो रही है क्या? जलन मेरे जूते से। अर्जुन, आई डिडंट टेक दिस, मैं कार के पास हूँ। ओके डैडी, जल्दी आ जा। हवा खा। चल। हाँ, बोलो। अरे जा। अरे क्या कर रहा है? डैडी, अंकल, डैडी आपको लगे तो नहीं? नो, आई एम फाइन। देखो कार में कौन है? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा। सॉरी 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 सॉरी, संडा हो गया क्या? अर्जुन, लेकिन नहीं चला सकता। अर्जुन, डैडी आप चुप कर रहे हैं? इनकी वजह से आपकी जान बच गई वरना पता नहीं आज क्या हो जाता। ब्रेक फेल हो गया, सोच के घबराता हूं मैं। और तुम चेक कर सकते हो गाड़ी का? ठीक हो गया ना? जाने दो, जाने दो, तू जा। अरे तुम्हें चोट लगी, चलो हॉस्पिटल चलते। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मामूली सी चोट है, डोंट वरी। तुम्हारे पेरेंट्स क्या कहेंगे? मुझसे ये सब पूछने वाला यहाँ कोई नहीं है। आप ठीक है ना? तो आई एम फाइन। आओ कम ऑन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, यहाँ पास में ही मेरा हॉस्टल है, आई कैन गो। आर यू श्योर? या श्योर, मैं चली जाऊंगी। ओके देन इट्स फाइन, टेक केयर। या थैंक्स अ लॉट, सी यू।
कार डैमेज हुई है तो रिपेयर करा के देना चाहिए ना, उसे नई कार क्यों दे रहा है? उसके एहसान के आगे ये कार तो कुछ भी नहीं है। अरे यार, उसकी कार तो सिर्फ 2 लाख की थी, उसके बदले में तू उसे 15 लाख की कार देने जा रहा है? क्यों भाई, उस लड़की पे तेरा दिल आ गया क्या? तेरी मर्जी। अंजलि। यस। कल बीच पे वो एक्सीडेंट। ओह या, आप यहाँ? आपसे मिलने आया हूँ। एक्सक्यूज मी। वो क्या है ना, कल आपकी कार डैमेज हो गई थी ना, उस नुकसान की भरपाई के लिए दिस इज फॉर यू, ये लीजिए चाबी। सिर्फ आपके पिताजी ही नहीं, उनकी जगह कोई और होता तो भी मैं वही करती जो मैंने किया। मुझे ये गाड़ी नहीं चाहिए। अब समझ गया ना, चल चलते हैं। आप गलत समझ रही हैं। प्लीज, आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो चैरिटी कीजिए या फिर किसी गरीब को खाना खिलाइए। मैंने बस इंसानियत के नाते अपना फर्ज निभाया है, मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। आई एम सॉरी। ये तो बहुत समझदार निकली बे। तेरी होने वाली भाभी है वो। क्या बोल रहा है, भाभी कब से बन गई? अभी अभी यार, उसकी सादगी और इंसानियत भरी बातें सुनकर मैं तो अपना दिल हार गया। उसका इतना अच्छा कैरेक्टर है, अब तो मेरी जिंदगी में अगर कोई लड़की होगी तो वो अंजलि ही होगी। सिर्फ ख्यालों में ही नहीं, प्यार रियल लाइफ में भी होना चाहिए। अंजलि से मैं सच्चा प्यार करता हूँ, उसके बावजूद मेरी बदकिस्मती मुझ पर हावी हो गई, इसलिए मैं उस खुशी को पाने से पहले ही अपना रास्ता भटक गया। ये मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है, ये क्या देख रहा हूं मैं? असली शेर आजाद हो गया है। आहा, वो शेर तुम लोमड़ी, अब यहाँ पे चढ़ेगी तुम्हारी बलि। चुप। भाई, ये है वायरटी। मेरी जमानत करवाने का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ उस हरिश्चंद्र प्रसाद का नामो निशान जड़ से मिटा देना है, उसे हर हाल में मारना है, यही मेरा मकसद है। ये वाई रेडी उसे ऐसी मात देना चाहता है कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां याद करें। वाई रेडी, ये सिर्फ तुम्हारा ही मकसद नहीं है, मेरा भी है। जो तुम्हारा यहाँ सबसे बड़ा दुश्मन है, मेरा भी सिर्फ वही एक दुश्मन है। उसे मारना आसान काम नहीं है, उसे मारे बगैर मैं भी मरना नहीं चाहता। ये पापड़ तल के खाने जैसा नहीं है, उसका बेटा चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा है। तुम्हें पता है मेरा जीजा सचमुच पागल हो गया है, सच कह रहा हूँ ना जीजा? किसी को मारने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो मुझ में है, लेकिन हरिश्चंद्र प्रसाद को मारना आसान नहीं। उसकी पहुंच कहां तक है और पावर क्या है ये हम सभी जानते हैं। उसे मारने का मतलब लोहे के चने चबाना। या व्हेन हैव यू रेड दिस? भाई, भवानी शंकर जेल से छूटकर बाहर आ गया है। भाई रेटी ने हमसे बदला लेने के लिए भवानी शंकर की जमानत ली है। क्या, अब क्या करें हम? He is very dangerous. वो अब हमारे पीछे पड़ेगा। अब हमें हर कदम संभल कर चलना होगा, हर तरह से अलर्ट रहना होगा, सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ेगी। अर्जुन कहाँ है? हाय अंजलि। इतने लेट? मैं कब से तुम्हारा वेट ट्रैफिक कर रही हूं। एक मिनट चाचा जी। अर्जुन। अर्जुन इस वक्त बिजी हैं। आप जरा बाद में फोन कीजिए। ये क्या? शिट, तुमने कॉल क्यों काट दिया? अभी अभी तो तुम मुझे मिले हो, उसमें भी ये फोन का डिस्टरबेंस। चलो कोई बात नहीं। अच्छा कहो तुम्हें क्या कहना है। अरे ये मेरा सूटकेस है। ये डैमेज हो जाएगा तो तुम्हारी जर्नी भी रुक जाएगी, जॉब भी चला जाएगा। जाता है तो जाने दो, धोखाड़ी का जॉब। अच्छा, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी जितने पैसे वाले नहीं है ना? मैं हूँ ना, मैं पुराने जमाने की नहीं हूँ जो तुम पर डिपेंड होकर जिंदगी जीऊँ, मैं आज की मॉडर्न लड़की। ओके ओके ओके, तुम बिल्कुल सही हो, मैं बहस नहीं करना चाहता। मैं 4 दिनों के लिए छुट्टी पर जा रही हूँ, इन केस मैं लौट कर नहीं आई तो क्या होगा? क्या होगा, 2 दिन खूब रोऊंगा, 3rd दिन भूल जाऊंगा और 4th दिन फिर से दूसरी लड़की तलाश करूंगा। सिंपल। तुम लौट कर नहीं आई ना तो यही तुम्हारा इंतजार करूंगा, अपने दर्द को अपने साथ लेकर, तुम्हारे बगैर एक पल भी
मैं चैन से जी नहीं पाऊंगा। देखो ना अर्जुन, अर्जुन बेटा तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? I'm fine, Dad. मेरी जान ही निकल गई थी, अगर तुझे कुछ हो जाता तो। भाई मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता था, करेक्ट टाइम पे पहुंच गया था, सब कुछ मैंने संभाल लिया। थैंक गॉड। वो भवानी शंकर ही नहीं, भगवान की दया से मेरे बच्चे का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भवानी शंकर? नहीं, उसका नाम भी तुम अपनी जुबान पर मत लाना। मुझे कुछ भी हो जाए गम नहीं, लेकिन तुझे कुछ हो गया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको कुछ हो गया डैड तो लालत है मेरे जीने पे। बताइए वो कौन है डैड? बताता हूँ, मेरे पिताजी विष्णु प्रसाद हमारे गांव के लोगों के लिए एक देवता समान थे, जिनका दाहिना हाथ भवानी शंकर जैसा एक राक्षस था। एक अनाथ को उन्होंने गोद लिया था, आस्तीन के सांप की तरह दूध पिलाकर उसे पाला था। आगे चलकर वो मेरे पिताजी की आंखों में धूल झोंक कर गैर कानूनी काम करने लगा। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया उसने, पालने वाले के साथ ही नमक हरामी की। कंपनी के आड़ में वो चुपके से हथियारों का धंधा करने लगा। जब पिताजी को ये बात पता चली तो उनका दिल टूट गया और उसे गुनहगार समझकर उसे अरेस्ट करवा दिया। जिस इंसान ने उस नमक हराम को अपने हाथों से रोटी खिलाई थी, उसी ने उस देवता जैसे इंसान का खून कर दिया, वो भी धोखे से वार करके। मैं चाहता तो उसका बदला उसी वक्त ले लेता, उस जंगली जानवर का खात्मा करके, लेकिन मेरी इंसानियत मुझे रोकती रही। मैंने उसे कानून से सजा दिलवाई, लेकिन मैंने अपने पिताजी को हमेशा के लिए खो दिया। वो मुझे अकेला तड़पने के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए। रुको अर्जुन, बेटा मैं तुझे किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहता। बाप और बेटे के रिश्ते को मैंने अपने पिताजी को खोने के बाद समझा है। अगर तेरे दिल में मेरे लिए रत्ती भर भी जगह है तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले हजार बार सोचना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े। मैंने अपने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, अपने बाप के दुश्मनों के हाथों मरने के लिए नहीं, उन्हें मारने के लिए पैदा हुआ हूं। अर्जुन, अर्जुन सुन, एक बार अगर मैंने अपने हाथ में गन ले ली तो मेरी जगह बुलेट बोलती है। चल। अर्जुन, उसे छोड़ना मत बेटा, मार दे। मौत से खेलने वाला खून है मेरा। मेरे खून में कितनी मर्दानगी और हिम्मत है इस बात का अंदाजा तुम्हें भी नहीं। मेरे डैड तक पहुंचने से पहले तेरी लाश गिराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारे खून के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। काली, Thank you.
तुम जिसे ढाल बनाकर मुझ तक पहुंचना चाहते थे अर्जुन, वही दांव तुम पर उल्टा कैसे चल गया यही सोच रहे हो ना? हे अर्जुन, ये बहस का वक्त नहीं है, शूटिंग! हाथ आया हुआ मौका मत छोड़, वो बच के निकल गया तो बाद में हम पर भारी पड़ेगा। मार दे उसको, शूट हिम, कम ऑन, नो! अर्जुन, ये तुमने क्या कर दिया? हाथ आए हुए शैतान को तुमने मारा क्यों नहीं? जाने क्यों दिया? अर्जुन! अरे वो नहीं तो उसका बेटा तुम्हारे हाथ लग गया था तो उसे मारने की बजाय मौत के डर से भागकर यहाँ आकर बैठ गए, यही तुम्हारे शिकार करने का तरीका है? भाई जो भी करते हैं अपने हिसाब से करते हैं। यही तो गलती कर दी, आसमान से गिरे और खजूर में आके अटके। जब भी याद आती है तो मेरी सांसें फूलने लगती हैं, वो मानव बम से कोई कम नहीं है। अरे बाप रे, मेरे साले ने सही कहा था, उसे छूना मत, फट जाओगे। अब तो बचने का कोई चांस ही नहीं दिख रहा बाबा। जो काम हिम्मत से नहीं होता वो दिमाग से होता है। वो दिमाग का खेल हमने वहां देख लिया, अब तुम्हारे पास कौन सा खेल है? अर्जुन के जरिए उस हरिश्चंद्र प्रसाद को मारने का खेल। क्या बात, जरा खुलकर बताओगे? उस बम को तुम कैसे नाकाम करोगे? उसके लिए भी कोई नया आइडिया सोच लिया है? इसके लिए जेल से किसी नए खिलाड़ी को खास तौर पर बुलाया है। कौन है वहां? अरे बाप रे, मर गया। ये यहां कैसे? इसे किसने बुलाया है? पता नहीं, ये कैसा तूफान मचाने के लिए आई है? डरो मत वाई रेड्डी, यही है मेरा हथियार। अंजलि, अभी तक हरिश्चंद्र प्रसाद को किसी ने झटका नहीं दिया है, उसने भी आज तक किसी के बारे में नहीं सोचा है। पहली बार वो तुम्हारे बारे में जरूर सोच रहा होगा। तुम्हारा प्यार उस हरिश्चंद्र प्रसाद की मौत का औजार बनना चाहिए। हाय अंजलि। अर्जुन, मुझे तुमसे अर्जेंट बात करनी है। क्या बात है, बोलो। फोन पर नहीं बता सकती, पर्सनली मिलना पड़ेगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अरे भाई, सब लोग प्रसाद तो ले लो। अर्जुन। हाँ डैड। बेटा, रिया को जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। मेरे सबसे प्यारे दोस्त की बेटी आज अनाथ हो चुकी है। मुसीबत की घड़ी में उसका साथ देना हमारा फर्ज है। अशोक तो अब लौट कर कभी नहीं आएगा, लेकिन उससे किया हुआ वादा हमें हर हाल में पूरा करना होगा। बेटा, रिया के साथ तेरी शादी करवा के मैं तुम्हारे बच्चों को खिलाना चाहता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है बेटा कि तू मेरी बातों को कभी ना नहीं करेगा। क्या सोच रहा है, ये शादी करेगा ना? मुझे माफ करिएगा डैड, मैं किसी और से प्यार करता हूं। ये सच कह रहा है, ये बात मैं आपको खुद बताना चाहती थी, लेकिन अशोक भाई साहब के देहांत की वजह से मैं चाहकर भी आपको बता नहीं पाई। इतनी बड़ी बात तूने अपने दिल में छुपा कर रखी, उसे बताने में देर की? खैर, कौन है वो लड़की? She's a bloody. चाचा जी, उसके बारे में ऐसा मत बोलिए। मैं ये नहीं कहता तुमने गलत किया है, लेकिन उस नालायक लड़की को मुझे आप अपनी हद पार कर रहे हैं। अब एक भी शब्द गलत कहा, छोटे बड़े का लिहाज क्या जाऊंगा? कौन सा लिहाज किया तुमने? प्यार में पूरी तरह अंधा हो गया ये। वो लड़की इसे अपने जाल में फंसा चुकी है, ये जानता नहीं वो आपकी जान भी ले सकता है। भाई, एक अल्फाज भी निकला तो जान से मार डालूंगा। What? What the hell is happening here? आपको मारने के लिए इसे प्यार के जाल में फंसाया गया है, किसी और का नहीं, ये सारा खेल भवानी शंकर का ही है। अब क्या सोच रहा है तू, समझ में नहीं आ रहा? उस दिन वो एक्सीडेंट कोई अचानक नहीं हुआ था, परफेक्ट प्लान के साथ किया गया था। ये जानने के लिए कि तुम अपने डैडी से कितना प्यार करते हो, तुम्हारे साथ ये एक्सीडेंट का नाटक किया गया था। उस दिन जिस गाड़ी से भाई का एक्सीडेंट होने वाला था और जिस कार ने उन्हें सेव किया था, वो दोनों एक ही आदमी के नाम पर रजिस्टर हैं। यकीन नहीं है तो ये लो सबूत।
सोचो, उसी ने फोन करके तुम्हें रेलवे स्टेशन बुलाया था, तो तुम वहाँ हो ये बात भवानी शंकर को कैसे पता चली, और उसके वहाँ से निकलते ही तुम पर अचानक हमला कैसे हो गया बताओ? सिक्योरिटी का तगड़ा बंदोबस्त होने के बाद भी उस लड़की की गाड़ी को तुमने ही अंदर आने दिया था। उसी गाड़ी की डिक्की में छुपकर भवानी शंकर यहाँ पहुँचा इन्हें मारने के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम उस लड़की से प्यार करते हो ये बात उसे पहले पता चली और हम लोगों को बाद में पता चली, और इसीलिए उसको ढाल बनाकर वो तुम्हारे हाथों से बच निकला। क्या अब भी तुम्हें और कोई सबूत चाहिए? बोलते क्यों नहीं, चाहो तो और सबूत दे सकता हूँ। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, एक लड़की को लेकर इस तरह का खेल खेला जा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। आई डोंट नो व्हाट टू से। एक शरीफ लड़की का हाथ थाम कर इस घर को जन्नत बनाना चाहते हो, या फिर एक दुश्मन की भेजी हुई लड़की का हाथ थाम कर पूरे परिवार को बर्बाद होते देखना चाहते हो? यू डिसाइड, आई हैव नथिंग टू से। सॉरी। कहते हैं सच्चाई कभी छुपती नहीं, लेकिन मुझे सच्चाई तक पहुंचने के लिए कई कब्र खोदने पड़े। हेलो रिया। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम शहर के बाहर वाली पहाड़ी पर आ जाओ। Come on.
सर, ब्लास्ट में कई लोगों की जाने गई हैं सर, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ सर। इसे देखो, इन सब के लिए यही जिम्मेदार है। यह बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें यह हर हाल में चाहिए। अब मेरा क्या होगा? मारे जाओगे जीजा। क्या कहा? मैंने पहले ही कहा था ना, ज्यादा लालच के पीछे मत भागो। अब लालच ही तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है और लालच ही तुम्हें मौत के मुंह तक लेके जाएगा। तुम मुझे और डरा रहे हो। डर से तुम दोस्ती करने के बजाय दुश्मनी जो कर बैठे, आज वही डर मानव बम बन के तुम्हें उड़ाने के लिए पीछे पड़ा है। अब जितने दिन बचे उतने खुशी से तो जी लो जीजा। मुझे किसी भी हालत में अपनी जान बचानी है। चलो सत्या। जीजा कफन भी साथ ले जाओ। चुप, तुरंत वक्त हूँ। करूंगा। शिकारी जब शिकार पे उतरता है तो मौत को अपने साथ लेकर चलता है। अगर तुझे माफ किया तो मेरे डैड को दिया हुआ वचन का क्या होगा? इस दुनिया में हर सवाल का जवाब है, लेकिन मेरे प्यार के बदले में मुझे मेरे पिताजी की जान गंवानी पड़ी। आपको मारने के लिए ऐसे प्यार के जाल में फंसाया गया है, किसी और का नहीं। ये सारा खेल भवानी शंकर का ही है। उस दिन वो एक्सीडेंट कोई अचानक नहीं हुआ था, परफेक्ट प्लान के साथ किया गया था। अंजलि के बारे में सबको जान चुका है, फिर भी उसे मिलने क्यों जा रहा है तू? उसे उसकी औकात दिखाने, उस धोखेबाज को।
कौन हो तुम लोग? हेलो, कहाँ घुसे जा रहे हो? अंजलि कहाँ है? अंजलि के रिश्तेदार आकर उसे यहाँ से ले गए हैं। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ, इसलिए अब हमें अलग तरीके से खेल खेलना होगा। अब मुझसे ये खेल और नहीं खेला जाएगा। कल तक मैंने आपके कहने पर उसके साथ प्यार का नाटक किया, पर आज अर्जुन से मैं सच्चा प्यार करने लगी हूँ। उसे इस तरह धोखा देकर मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकती। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। एक बार मैं उसे मनाने की कोशिश करता हूँ, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। जरूरत नहीं, हम उस पर जबरदस्ती हुक्म नहीं थोपना चाहते। अर्जुन, इतनी देर रात तक कहां भटक रहा था बेटा? इस वक्त तेरी हालत कैसी है मैं समझ सकता हूं। तेरी खुशी के लिए मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं बेटा। डैडी, जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ, किस लिए हुआ और वो लड़की तेरी जिंदगी में क्यों आई, ये मैं अच्छी तरह से जान चुका हूं बेटा। तू सिर्फ मेरा बेटा ही नहीं है, हरिश्चंद्र प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज का भावी चेयरमैन भी है। जो हुआ उसे भूल जा और अपने काम पर ध्यान दे। ठीक है। इस वक्त मेरे बच्चे का दिल घायल है, उस पर मरहम तू ही लगा सकती है बेटा। प्लीज टेक केयर ऑफ हिम। अब इस काम में आपको फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ेगा साहब। सुना है अर्जुन साहब अब ये बिजनेस संभालेंगे, उनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। सुना है छोटी छोटी बातों पर हाथ पैर तोड़ देते हैं, इस धंधे का अगर उन्हें पता चला तो। अबे गधे, उस बच्चे से तू इतना डर क्यों रहा है? उस दिन के उस हादसे के बाद उसकी कमजोर नस मेरे हाथ लग गई है। किसको कहां पर बैठाना है, किसको कहां पर कैसे पटकना है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। उसके बाप को तो एक दिन वैसे भी जाना ही पड़ेगा, और उसके बाद उसको भी मैं। उस हरिश्चंद्र प्रसाद का आखिरी वक्त अब नजदीक आ गया है। तुम्हारा ये नाटक और ये डायलॉग रोज सुनता आ रहा हूँ। चुपचाप मेरी बात सुनो वायरेडी। हरिश्चंद्र प्रसाद अपने बाप विष्णु प्रसाद से छुपाकर हथियार का धंधा करता था, ये बात मैं अर्जुन को बताने जा रहा हूँ। अरे बाप रे, ये सचमुच किसी पागल खाने से तो नहीं आया है? अरे तुम्हारी बातों को तो मैं यहाँ बैठ कर मान लूंगा। वो गैर कानूनी हथियारों का धंधा करता है ये भी मैं मान लूंगा, लेकिन उसका बेटा कैसे मानेगा? उसे कैसे यकीन दिलाना है मैं जानता हूँ। हे भगवान, ये हर वक्त आप ही मुझे मार वाली हरकत क्यों करता रहता है? मान लिया तुम उसे हथियार वाली जगह भी बता दोगे, लेकिन उसके बाद भी वो तुम्हें मसल देगा। उसे मारने के लिए ये ऐसा नक्शा वक्शा बनाकर डैम बांधने की कोई जरूरत नहीं है, उस पर डायरेक्ट अटैक कर दो। जरा सोच समझ के बात करो भाई रेड्डी। हाँ सोच लिया, समझ भी लिया, इतने दिनों से सोच समझ कर बात करके गले में हड्डी की तरह फंसा कर रखा है। सुनो भवानी, अब जैसे मैं कहता हूँ वैसा ही करो। सगड़ा दादी, तुम उसके लड़के को मार, उसमें मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और उसके बाद अगर अर्जुन का एक बाल भी बांका हुआ ना तो मेरा दूसरा निशाना नहीं चुकेगा। अंजलि, ये क्या कर रही हो तुम? अब तक मैं आप लोगों के इशारों पर नाचती रही, लेकिन अब आप लोग देखना मैं क्या करती हूँ। अगर अर्जुन को कुछ हुआ तो आप में से कोई नहीं बचेगा। मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मुझे एक बार उसे सुधारने का मौका तो दो। तुमने जो किया वो कम था क्या? ये मत समझना कि मैं वो सब भूल चुका हूँ। मैं जानती हूँ अर्जुन कि मैंने जो किया उसे तुम कभी नहीं भूल पाओगे, लेकिन मैं उसके लिए सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। अब क्या नया नाटक खेलने आई हो तुम? नाटक नहीं कर रही हूँ अर्जुन, मैंने तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हें बहुत दुख पहुँचाया है, तुम्हें बहुत हर्ट किया है, पर मैंने ऐसा क्यों किया वो सच्चाई तुम्हें बताना चाहती हूँ। मैं जब से तुमसे मिली हूँ तभी से समझ पाई हूँ कि इंसानियत क्या होती है। प्यार का नाटक करते करते मैं तुमसे सच में प्यार कर बैठी, क्योंकि प्यार का सबक भी मैंने तुम ही से सीखा है अर्जुन। मैं
मैंने जो भी किया वो मेरी मजबूरी थी। समझने की कोशिश करो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने लोगों को एक दूसरे के लिए मरते हुए देखा है, लेकिन प्यार में मारते हुए मैंने सिर्फ तुम्हें देखा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मेरी नादानी समझकर मुझे माफ कर दो। I'm sorry. Please forgive me, please. तुम अपने जाल में फंसा के और कितने लोगों की जान लोगी? मेरे पिता को क्यों मरवाया? तुम्हारे दिल में जरा भी इंसानियत नहीं है। देखो अर्जुन, तुम इसकी बात मत सुनो। तुम्हारी जिंदगी में फिर से जहर घोलने के लिए खेल खेल रही है। अनजाने में हुई भूल को माफ किया जा सकता है, लेकिन धोखेबाजी को भगवान भी माफ नहीं करते। Let's go, अर्जुन। बेटा क्या सोच रहे हो? बेटा एक बात बताओ माँ, दिल ही हमारा दुश्मन क्यों बन जाता है? ऐसा क्यों सोचते हो? मन ही मन की भावनाओं को समझ सकता है। वैसे क्या हो गया है बेटा? आज अंजलि आई थी माँ, उसने माना कि वो मुझसे प्यार का नाटक कर रही थी। मुझसे दूर होने के बाद वो मेरे प्यार को समझ पाई। इसका मैं क्या मतलब निकालूं? इंसान एक दूसरे को धोखा दे सकता है, लेकिन एक सच्चा प्यार कभी धोखा नहीं देता। उसकी कोई तो मजबूरी रही होगी, इसीलिए वो तुम्हारे डैडी के दुश्मनों के लिए काम कर रही होगी। इस बात को तू अपने ठंडे दिमाग से जरा सोच कर तो देख। इसमें गलत क्या है और सही क्या है, इसका जवाब तुम्हारा अपना दिल ही तुम्हें दे देगा। गायत्री, व्हाट आर यू डूइंग? अभी अभी वो उसे भूल कर नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा है, और तुम उसे बार बार उसी रास्ते पर चलने के लिए कह रही हो। उस लड़की के बारे में सोचना अब तेरे लिए ठीक नहीं है बेटा। वो लड़की ही नहीं, कहीं ना कहीं मुझसे भी गलती हुई है डैड। अंजलि की बातों में मुझे सच्चाई लगी। आई डोंट थिंक शी इज लाइंग। आई डोंट बिलीव दिस। आज तक मैंने तेरी किसी भी बात का विरोध नहीं किया अर्जुन। आज मेरी समझ में आ रहा है कि तू उस लड़की के पीछे इस तरह पागल क्यों है। अर्जुन, तेरी खुशी से बढ़कर इस दुनिया में मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। उस लड़की से मेरी बात करा। थैंक यू डैडी, गुड नाइट। जो तुम मुझे दिखा रही हो वो अर्जुन को क्यों नहीं दिखाती? एक्चुअली मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? अर्जुन को अपने जाल में फंसा कर अपने मकसद में कामयाब होने के लिए। हमारा खेत धरा का धरा रह जाएगा, वो अपने मकसद में कामयाब होने जा रहा है। आज तक मैंने जितने भी काम किए हैं सब ने मेरे काम से खुश होकर मेरी तारीफ ही की है, लेकिन मेरे कामों से ना खुश होने वाले तुम पहले इंसान हो। यानी तुम मेरा काम ठीक से नहीं करोगी? जस्ट चिल, जो नहीं होना था वो हो रहा है, और जो हो रहा है उसे बदलना मुझे आता है। चीयर्स। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ऑटो, 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 ऑटो। हाय अंजलि, कहाँ जा रही हो? कम ऑन, आई ड्रॉप यू। नहीं, रहने दो। क्या हुआ? कल तुम्हारे साथ जो बिहेव किया उसके लिए तुम मुझसे नाराज हो गया? I'm sorry. नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती तो शायद वही करती। तो फिर मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझसे नाराज नहीं हो। ओके देन, कम ऑन, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। ओके थैंक्स। कंग्रेचुलेशंस। ऐसे क्या देख रही हो? सुना है अर्जुन के साथ शादी करने जा रही हो। पता है तुम बहुत लकी हो। बात पक्की हो गई क्या? क्या तुम अपनी लाख कोशिश कर लो, मैं चाहूं तो तुम्हारे रास्ते में रोड़ा बन सकती हूँ। मेरा फैसला अटल होता है। सच्चा प्यार कभी हारता नहीं है। ये बातें कहानियों में अच्छी लगती हैं। अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी और अर्जुन की शादी रोक सकती हूँ।
अर्जुन को पाने के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ना मेरे लिए ठीक नहीं है। मेरी मानो तो तुम्हें जिंदगी भीख में मिल सकती है। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो रिया? अर्जुन को तुम भूल जाओ, उसे भूल जाओ। अर्जुन को भूलने से बेहतर होगा कि मैं मर जाऊं। मैं भी वही चाहती हूं। तुम्हारे मर जाने के बाद वो तड़पेगा जरूर, लेकिन उससे ज्यादा तकलीफ मुझे तुम्हें देखकर होती है। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? देखो मैं अर्जुन को सब बता दूंगी। तुम जिंदा रहोगी तब ये बात उसे बताओगी ना? बच्चे की हालत कैसी है? वो सीरियसली इंजर्ड हुई है और बहुत सारा खून भी बहा है। 24 घंटे के पहले हम कुछ भी नहीं कह सकते। पैसा चाहे कितना भी खर्च हो, किसी भी हालत में उस बच्चे की जान बचाइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा। रिया, कोई भी काम तरीके से किया करो। उसने होश में आने के बाद जुबान खोल दी तो सबके सामने मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? तुम उन लोगों को जानती नहीं हो और ये भी नहीं जानती हो कि वो उससे किस हद तक प्यार करता है। वो बचती है तो बच जाए, मैं उसे फिर से मार दूंगी, लेकिन मेरा हथियार बदल जाएगा। एक ही चाल में बाप और बेटा दोनों हलाल हो जाएंगे। वो कैसे? कहते हैं कि हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी जरूर होती है। राजनीति मेरी कमजोरी है। मैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता हूं। That's my girl. This way. नहीं, हम लोग यहाँ लड़ाई झगड़ा करने नहीं, राजी खुशी बात करने के लिए आए हैं। मेरे भाई, तुम्हारी दोस्ती और तुम्हारी दुश्मनी दोनों मैं ठोकर खाने के बाद अच्छी तरह समझ गया हूँ। भाई क्या करूँ, मेरी मत जो मारी गई थी, मेरी कुर्सी चली गई तो तुम्हारी मदद से उसे वापस हासिल कर सकता हूँ, लेकिन मरने के बाद वो मेरे पास कैसे रहेगी? वो तो किसी दूसरे नेता के हाथ में चली जाएगी ना। आखिर आपस में लड़ने से क्या फायदा है? हाँ भाई, भाई रेड्डी बिल्कुल सच कह रहा है। अंजलि का एक्सीडेंट किसी और ने नहीं, उस भवानी शंकर ने ही करवाया। हाँ ये सच है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गुस्सा आने पर कुछ ना कुछ अनाप शनाप बक देता हूँ, लेकिन दिल में कोई खोट नहीं है। आप मुझे छोटा भाई समझकर माफ कर दीजिए। भाई भाई, वो लोग गलती पर गलती किए जा रहे हैं और ये देखकर मैं इस तरह खामोश नहीं रह सकता हूँ। भाई उसे आज ही मार डालूंगा। नहीं, गलत किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए और ना ही होगा। मैं हूँ उसकी एक गलती की वजह से आज अंजलि हॉस्पिटल में है और मेरे बेटे की यह हालत हुई है। Enough! अब इस खेल को यहीं पर रोकना पड़ेगा। अर्जुन बेटा, मैंने एक दिन तुझे हथियार उठाने से रोका था, आज मैं कह रहा हूं इस खेल का अंत कर। यह सिर्फ तू ही कर सकता है। चाहे मेरी जान भी चली जाए,
लेकिन अब भवानी शंकर जिंदा नहीं बचेगा। वो कहीं भी हो, को रुकना इतना आसान नहीं है भाई। चलिए यहां से चलते हैं। अंजलि को मारने की कोशिश क्यों की? मैं तेरी जान। तुम मुझे मार दो, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहता हूं। तुम सोच रहे हो कि तुम अपने बाप को बचा रहे हो, लेकिन सच तो यह है कि तुम उसे मार रहे हो बेटा। ए, अपने बाप को मैं कैसे मार सकता हूं? हरिश्चंद्र प्रसाद ने तुमसे हर बात झूठ कही है। वो तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है।
वो तुम्हारा बाप नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम मेरे खून हो बेटा, तुम मेरे खून हो। क्या वो तुम्हारा बेटा नहीं है? नहीं, अगर तुम मेरे बाप हो तो फिर मुझे मारने की कोशिश क्यों करते रहे? मैंने कभी भी तुम्हें मारने की कोशिश नहीं की बेटा। मैंने दुश्मन की हर चाल को समझकर उसे उल्टा करने की कोशिश की है। मैं जब जेल में था बेटा, तब मैं तुम्हें देखना चाहता था। तब पता चला कि तुम्हारी नजर में मुझे दुश्मन बना दिया। तुम्हारी यादों में मैं कब का मर चुका था। अगर मैं मर गया होता तो तुम्हारी नजरों के सामने सारी सच्चाई को कैसे लाता? उस वक्त मैं सारी सच्चाई अगर बता देता तो तुम्हें विश्वास नहीं होता। इसीलिए मैंने अंजलि को सारी बातें बताकर तुम्हें अपने पास लाने के लिए वो चाल चली थी। अंजलि मेरा काम करने के लिए राजी हो गई। फिर उसने तुम्हारे दिल में विश्वास जगाया। उसके बाद उसने काम करने से इनकार कर मेरे सपनों को चकनाचूर कर दिया। मैंने उसे भी ये नहीं बताया कि तुम मेरे बेटे हो। दौलत के लालच में अंधा होकर विष्णु प्रसाद जी के साथ हरिश्चंद्र प्रसाद ने तुम्हारी माँ को भी मार दिया और तुझे भी मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया बेटा। पर उसे मारने उसी के लड़के को क्यों भेजा? उसके हाथों से भवानी शंकर की मौत होने से हम पर कोई शक नहीं करेगा। उसे मारने के बाद अर्जुन जेल में सड़ेगा और अशोक के खून का इल्जाम भी उसके सर ही जाएगा। उसे मार कर मैं अपना हाथ गंदा नहीं करना चाहता। उस पर हर वक्त नजर रखने के लिए रिया को मैंने उसके पीछे लगाया। वो अपने काम को ठीक से अंजाम नहीं दे पाई, इसीलिए भवानी को मारने के लिए उसके ही बेटे को भेजा। एक तीर से दो निशाना मैंने साधा है। अब वो वक्त आ चुका है कि अपने ही बेटे के हाथों गोली खाएगा भवानी शंकर। वो अर्जुन तुम्हारा बेटा नहीं, उसका बेटा है, ये वो जान गया तो? Come on, वो भी मरेगा। समझ में नहीं आ रहा है कौन मरेगा। मेरी सांस रुकने से पहले एक बार मुझे पिताजी पिताजी कहो ना बेटा, पिताजी कहो ना बेटा। अर्जुन, तुम्हारे खून के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। मेरी सांस रुकने से पहले एक बार मुझे पिताजी पिताजी कहो ना बेटा। तुमने देखा ना, पलक झपकते ही पूरी दुनिया बदल गई अर्जुन, और तुम अब भी उसी गम में डूबे पड़े हुए हो। तुमने अपने पिताजी से जो वादा किया था उसको पूरा करना अब तुम्हारा फर्ज है। जो वक्त के साथ अपने वादे ना निभाए वो इंसान नहीं, हैवान होता है। जनता के लिए देवता समान वो विष्णु प्रसाद जी, उनकी बहुत इज्जत थी। तुम्हारे पिताजी को विष्णु प्रसाद जी बहुत मानते थे। उन्हें अपने बेटे की कुछ हरकतें पसंद नहीं थी, इसलिए वो उन्हें अपना बेटा मानते थे।
ये बात अक्सर हरिश्चंद्र प्रसाद को अखरती रहती थी। इसी तरह रहा तो तुम्हारे पिताजी सब कुछ भवानी शंकर का नाम कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो कटोरा लेके उसके पीछे भागना पड़ेगा, देख लेना। वो अशोक और बाबू मिलकर गैर कानूनी हथियारों का धंधा कर रहे हैं, ये बात जिसे भी पता चलती है वो लोग उसे भी मार देते हैं भाई। अरे मुझे नहीं साहब, उन्हें अरेस्ट करो साहब। प्रसाद बोलो ना। हमारे ही बिजनेस का आड़ लेकर गैर कानूनी हथियारों का धंधा कर रहे हो, ले जाओ इसे। प्रसाद तुम्हारी इस बकवास पर हमें विश्वास नहीं है। आप मुझसे ज्यादा उस पर भरोसा करते हैं इसलिए ऐसा। बंद करो, कौन क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जब उसकी बेल करवा लूंगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरे इतना समझाने के बाद भी आप उस पर इतना विश्वास कर रहे हैं, इसीलिए मुझे आप पर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। वो आपका पालतू नौकर ही है या फिर उसकी बीवी के साथ आपके ऐसे। तुझे अपना बेटा कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, जा निकल जा यहाँ से। That's it. कितना बेहतरीन प्लान बनाया है दौलत हड़पने का, और तुम यहाँ से जाकर हमारा राज खोलोगी। You very talented. अब एक काम करो, तुम यहाँ से सीधे भगवान के पास जाकर हरिश्चंद्र प्रसाद गलत काम करता है ये कहकर हमारी शिकायत करो। बाबूजी। ए भवानी शंकर, छोड़ दो मेरे भाई को वरना तुम्हारे बेटे की जान ले लूंगा। मेरे बच्चे को कुछ मत करना। पाप आज पुण्य से बलवान है, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। भाई काली सारे गांव वालों को लेकर यहाँ आ रहा है। सच्चाई सब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। लिसन, मैं अभी तुझे इसी वक्त मारना चाहूं तो मार सकता हूं, जस्ट अ सेकेंड। बट यू आर द मर्डरर। मेरे पिता और अपनी पत्नी को तूने अपने हाथों से मारा है, ये बात तुझे सबके सामने कहनी है, अंडरस्टैंड? वरना तेरा बच्चा भी ऊपर की हवा खाएगा। यार, इसका क्या करना है? हथियार के बल पर हर कोई जीता है, मैं इसे हथियार बनाकर जीऊंगा। वो भवानी शंकर जब तक जिंदा है तब तक ये हमारी ढाल है। वो सब तो ठीक है, पर जब इसे सच्चाई का पता चलेगा तो? विश्वास एक बहुत बड़ा हथियार है, इसे मैं जितना प्यार दूंगा उतना ही इसके बाप के खिलाफ नफरत भर दूंगा। इसे मैं इस बात का विश्वास दिलवा दूंगा कि मेरे पिताजी का खून भी इसी के बाप ने ही किया है। इस बच्चे को मैं अपना रखवाला बनाकर पालूंगा। तुम्हारे पिता ने इतने दुख सहे हैं कि भगवान भी रो देगा। तुम्हारे पिताजी ने जिस पल तुम्हें और तुम्हारी माँ को खोया तब से उन्होंने अपनी जिंदगी एक जिंदा लाश बनकर बिताई। हर एक पल की सच्चाई वो तुम्हें बताने के लिए जिंदगी भर तड़पते रहे ताकि वो तुम्हें बचा सके, और तुम्हें बचाने के लिए ही उन्होंने अपनी जान दे दी। मेरे लाल, मुझे माँ कहकर पुकारने वाला मेरे लिए तो भगवान के अवतार से कम नहीं है, लेकिन तेरे साथ वो इस तरह से धोखा करेंगे ये बात मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। अब तो तू सारी सच्चाई जान चुका है, भले मैंने तुझे अपने कोख से जन्म नहीं दिया,
फिर भी तू मेरा बेटा ही रहेगा, मेरा बेटा। शहर के बाहर वाली पहाड़ी पे आ जाओ। सर, उसने वाई रेड्डी को 20 सड़क पर बहुत बुरी मौत मारा है। मेरी सलाह मानो, आप यहाँ से बाहर चले जाओ। तुम्हारा मतलब मैं यहाँ से भाग जाऊँ क्या? अब मेरा ये मतलब नहीं सर, आप दोनों का सामना हो गया तो आपकी हिफाजत मुश्किल हो जाएगी। आज तक मैं हिम्मत के साथ अपनी जिंदगी जीता रहा हूँ, अब अपने ही कुत्ते से डरकर मुझे भागने की नौबत आ गई है। मुझे जिंदा रहना है इसलिए उसे मरना होगा। नवाब, काली, महाकाली, कैसे हो? मुझे देखो, नॉट बैड। तुम्हारा क्या हाल है? सो सैड। गलती किया, तुझे भी उसी वक्त मार देना चाहिए था। नहीं मारा, वो मेरी गलती, इट्स ओके। तुम्हें पता है उस दिन अपनी चाल में अर्जुन को मोहरा बनाकर उसके बाप को फंसा दिया था, अब आज तुझे मोहरा बनाकर अर्जुन का खेल खत्म होगा। व्हाट डू यू से? तेरा ये सपना धरा का धरा रह जाएगा। अर्जुन का तू बाल भी बाका नहीं कर सकता, वो ही तेरा खेल खत्म करेगा और वो जरूर आएगा। मौत का खेल दिन रात खेलने वाले इस हरिश्चंद्र को मारने की हिम्मत उस चूहे में कहाँ है? एक सेकंड में मैं उसे उड़ा सकता हूँ। कौन किसको मारेगा ये तुझे पता चल जाएगा। वो यहाँ आएगा और तुझे कुत्ते की मौत मारेगा। शट अप। ए, तलवार उठाने वाले धार का शिकार हुए, गन उठाने वाले गोली का शिकार हुए। तेरी मौत का दिन आ गया है और तू आज ही मरेगा। Oh,
वेट वेट जस्ट कूल जस्ट वेट ए अर्जुन, इस लंगड़े की जिंदगी अगर तुझे प्यारी है तो हथियार फेंक कर सामने आ जा। मुझे मौत का डर नहीं है अर्जुन, तू इसकी बातों में मत आना, इसे मार दे अर्जुन। ए अर्जुन, तू मजबूर हो चुका है, अगर सामने नहीं आया तो अपने चाचा की जान गंवा बैठेगा। इसकी बातों में मत आना, बरसों पहले जो भूल मैंने की थी वो तुम मत करना, तुम्हें अपना फर्ज निभाना है, तुमने जो अपने पिता से वादा किया था वो पूरा करना है, इस शैतान को जीने का कोई हक नहीं है, इसे मार दे अर्जुन। अरे मैं सामने आबे डरपोक चूहे, नहीं तो अगली बुलेट लंगड़े की खोपड़ी में। देयर यू आर अर्जुन। तुझे बचपन से ही ये खेल मैंने सिखाया, अब तू मेरे साथ ही खेल रहा है। What is this? आज तक तूने सिर्फ मेरा एक ही रूप देखा है कुत्ते की औलाद। जब जब तू मुझे डैडी कहकर बुलाता था तब मेरा अंदर से खून खौल उठता था, लेकिन मैं चुपचाप क्यों बर्दाश्त करता था पता है तुझे? इस मिस्ट्री से आज मैं पर्दा उठाता हूँ। बेटा, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए किसी को भी मौत के घाट उतार सकता हूँ। अर्जुन, आज के दिन अगर तुम्हारी जान बची है तो सिर्फ इसलिए कि मेरी रगों में तुम्हारा खिलाया हुआ नमक दौड़ रहा है, इसलिए तुम्हारी सांसें चल रही हैं। मेरे पिताजी की मौत के बाद तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म हो गया, तुम बाप के लाने के लायक नहीं। Yeah, that's because you are a lucky dog. कुत्ते के आगे जैसे बिस्किट फेंका जाता है, वैसे तेरे आगे प्यार का बिस्किट फेंक कर तुझे कल तक एक कुत्ते की तरह पालता आया था मैं। दुश्मनी किस तरह निभाई जाती है ये मुझसे सीख कर तू मुझ पे ही आजमाने चला आया। Get up, भाई से। जब मेरा पाला हुआ ही पालतू कुत्ता मुझ पे भौंकने लगता है तो उसका मैं क्या करता हूँ पता है तुझे? सारी हमदर्दी को भूल कर बेरहमी से मारता हूँ। कल तक तेरी जान बचाने के लिए मैं अपनी जान से खेलता रहा, आज तुझे मारने के बाद मेरी भी जान चली जाए तो मुझे परवाह नहीं। मुझे गोली मार दी, मैंने तुझे मारा और तूने मुझ पर ही गोली चला दी। कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं मारता, तू मेरा बाप नहीं है और ना ही तुझ जैसे नीच का मैं बेटा हूं। यू आर राइट तेरे पिता के साथ मैंने बहुत अइंसाफी की, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो बेटा। तुम्हारी हर गलती को मैं माफ कर देता, लेकिन तुम ये माफी दिल से नहीं मांग रहे बल्कि मौत से बचने के लिए खेल खेल रहे हो। जिस तरह तुम मेरे जान के दुश्मन बनकर मुझे मारना चाहते थे उसी तरह आज मेरे हाथों तुम मरोगे। मुझे मेरे पिताजी के एक एक बूंद खून का हिसाब चाहिए। गुनाह चाहे जान के किया हो या अनजाने में, उसकी सजा हर हाल में भुगतनी पड़ती है। मैंने मेरा फर्ज पूरा किया मेरे किए हुए पापों का, अब मुझे प्रायश्चित भी करना है।